नाम मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं मोहम्मद अली ऑफिशियल चैनल। तो दोस्तों आज आप ये देख रहे होंगे कि रात का जो व्यू है, हम अब वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो यार ये आपको सिर्फ और सिर्फ व्यू चेक करवाना है, पीछे बादल चेक कर सकते हैं, ठीक है। और आपको एक खसूसी जो गुफ्तगु आपसे करनी है वो यही है कि रात के वक्त अगर गांव से शहर जाना हो तो हम जाते तो मोटरसाइकिल पे हैं या कोई चीज़ इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन हम कितने किलोमीटर और किस तरह जाते हैं वो आज आपसे शेयर करेंगे। अभी आप देख सकते हैं रात का वक़्त है, तो बात करने का मकसद यही है कि रात के वक़्त हम शहर किस तरह जाते हैं और जो हमें मुश्किल पेश आती हैं वो क्या, इंशाल्लाह बाकी आपसे जल्दे जल्दे हम शेयर करते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा है, हमारे पास जो बाइक है उसकी रोशनी आप देख सकते हैं। अगर गांव से शहर तक का रास्ता जो है वो कच्चा है, ठीक है, रोड कारपेट नहीं बना हुआ, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। तो ये शहर का एरिया शुरू हो गया, आप देख सकते हैं कि रात के वक्त रात गए तक मतलब दुकानें ओपन रहती हैं और गांव में ऐसा बिल्कुल सिस्टम नहीं होता। तो मेन डिफरेंस यही है और आगे मैं आपको बैठ के बड़ी तफसील से बात करता हूँ। हमने आगे आपको बताया कि हम जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको बताया कि कितनी मुश्किलात होती हैं जो गांव से शहर जाते हैं रात के वक्त, कोई भी इमरजेंसी बन सकती है। गांव में जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ नुकसान है वो ये, जो गांव है यहाँ पे दुकानें बहुत जल्द बंद हो जाती हैं, ठीक है, शाम से पहले ही बंद हो जाती हैं, और जो शहर है वहाँ पर तकरीबन रात के वक्त 10-11 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं। हमारे साथ छोटा सा शहर है यहाँ जलालपुर जेटा, तो वहाँ काफ़ी देर तक दुकानें खुली रहती हैं, वो यही मसला है। बाकी दुकानें जो शहर में है दुकानें यही पर भी है, लेकिन मसला यही है कि मतलब टाइमिंग का हिसाब है। तो एक ये और दूसरा ये कि तकरीबन जो हमारे गांव से शहर का फासला है वो सिर्फ 14-15 किलोमीटर है, ये बहुत ज़्यादा वैसे फासला है, लेकिन अभी हमको मालूम नहीं होता 14-15 किलोमीटर, हम तकरीबन 15-20 मिनट में हम तय कर लेते हैं। तो कुछ हमारे से आगे गाँव है, ठीक है, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, ज़ाहिर बात अगर हमारा 14 किलोमीटर है उनका ज़्यादा होगा। तो बाकी आपको मैंने मेन जो चीज़ का डिफरेंस है वो बता दिया, हमें क्योंकि मेडिसिन चाहिए थी, मतलब ज़ाहिर बात है मेडिकल स्टोर से मिलनी थी, किराने स्टोर से तो मिलनी नहीं थी, तो मेडिकल स्टोर हमारे गाँव में जो है वो बंद हो गया, तो हमें जलालपुर जेटा जाना पड़ा। तो बात आज यहीं पे ख़त्म करते हैं।